हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सेलेंस। आई एम रमेश निषाद एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट 1 रीडिंग सी अ ग्रेट मूवमेंट फॉर ऑल द चिल्ड्रन। इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल सी समरी ऑफ द लेसन। अ ग्रेट मूवमेंट फॉर ऑल द चिल्ड्रन, एक महान क्षण उन सभी बच्चों के लिए। ये लिखा गया है कैलाश सत्यार्थी के द्वारा, जब 10 अक्टूबर 2014 को यह घोषणा की जाती है कि कैलाश सत्यार्थी नोबेल प्राइज़ प्रदान किए जाएंगे, तब इनका इंटरव्यू होता है और एडम स्मिथ जो कि चीफ साइंटिफिक ऑफिसर ऑफ नोबेल मीडिया से हैं, एडम स्मिथ कैलाश सत्यार्थी को कॉल करते हैं और कॉल करके उनको बधाई देते हैं। तो ये जो लेसन है, ये लेसन इन दोनों के बीच हुई जो बातचीत होती है इसी के विषय में है, जिसमें बच्चों के भविष्य को लेकर के और बाल गुलामी को लेकर के ये लोग डिस्कस करते हैं। कैलाश सत्यार्थी कॉल रिसीव करते हैं, फिर कहते हैं हेलो। एडम स्मिथ कहते हैं हेलो मिस्टर सत्यार्थी, फिर कैलाश सत्यार्थी कहते हैं स्पीकिंग हेलो। एडम स्मिथ कहते हैं हेलो, माय नेम इज़ एडम स्मिथ कॉलिंग फ्रॉम द नोबेल प्राइज़ वेबसाइट इन स्टॉकहोम, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन द अवार्ड ऑफ द नोबेल प्राइज़। और एडम स्मिथ जो है वो अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि मैं एडम स्मिथ हूँ और मैं नोबेल प्राइज़ वेबसाइट स्टॉकहोम से बातचीत कर रहा हूँ, और इसके लिए वो उन्हें धन्यवाद देते हैं कि आप नोबेल प्राइज़ जीत चुके हैं। फिर कैलाश सत्यार्थी कहते हैं थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी वेरी मच, और इस तरह से कैलाश सत्यार्थी अपना आभार व्यक्त करते हैं। यू हैव गिवन द ग्रेट ऑनर एंड द टू हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड हु आर डिप्राइव्ड मीन्स होता है वंचित, ऑफ देयर चाइल्डहुड एंड हेल्थ एंड एजुकेशन एंड फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम। इट इज़ अ ग्रेट मोमेंट फॉर ऑल द चिल्ड्रन एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और इस तरह से वो अपना आभार व्यक्त करते हैं। चाइल्डहुड मीन्स बचपन, हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य, एजुकेशन में शिक्षा, फंडामेंटल राइट मीन्स होता है मूलाधिकार, फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता, मूवमेंट मीन्स होता है क्षण। और इस तरह से वो कहते हैं कि आपने उन सभी बच्चों को एक महान सम्मान दिया है, और वो बच्चे जो कि अपने बचपन, अपने स्वास्थ्य, अपनी शिक्षा, अपनी स्वतंत्रता, इस तरह के अपने मूलाधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, उनसे जो बच्चे वंचित थे उन सारे बच्चों के लिए ये एक महान क्षण है, ग्रेट मूवमेंट है, और ये जो सम्मान है वो उन बच्चों के लिए महान सम्मान है। इस तरह से कैलाश सत्यार्थी कहते हैं। एडम स्मिथ कहते हैं वेल थैंक यू, फिर कैलाश सत्यार्थी कहते हैं इट इज़ आल्सो अ ग्रेट ऑनर फॉर एवरी इंडियन सिटीजन एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। और वो आगे कहते हैं कि हर एक जो इंडियन सिटीजन है, हर एक जो भारतीय नागरिक है, उन सभी नागरिकों के लिए भी ये एक महान सम्मान है, ग्रेट ऑनर है। और इस तरह से कैलाश सत्यार्थी उन्हें फिर से धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। फिर एडम स्मिथ दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू थैंक यू, और इस तरह से एडम स्मिथ भी कहते हैं कि ये आपकी दयालुता है, और वे भी उनको धन्यवाद करते हैं। व्हाट मैसेज डू यू होप दैट द प्राइज अवार्ड विल डिलीवर टू द वर्ल्ड। और आगे जो है एडम स्मिथ प्रश्न पूछते हैं कि आप कौन से संदेश की आशा करते हैं कि ये जो प्राइज़ है, ये जो नोबेल प्राइज़ है, उनसे संसार में, इस वर्ल्ड में कौन सा मैसेज फैलेगा। सो आगे कैलाश सत्यार्थी कहते हैं वेल आई एम क्वाइट होपफुल एंड रदर श्योर दैट दिस विल हेल्प in giving bigger visibility and attention to the cause of children who are most neglected and most deprived. Neglected means apekshit, deprived means vanchit. और कैलाश सत्यार्थी कहते हैं कि मुझे आशा ही नहीं अपितु पूरी निश्चित विश्वास है, श्योर है, यकीन है कि ये जो है अवश्य हेल्प करेगी। किस में हेल्प करेगी? विजिबिलिटी, दृश्यता एंड ध्यान आकर्षित करने के लिए, उन बच्चों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए जो कि निग्लेक्टेड है, जो कि अपेक्षित है और जो कि वंचित है, उन लोगों की तरफ ध्यान आकर्षित करने में ये काफ़ी मदद करेगी। दिस विल आल्सो इंस्पायर इंडिविजुअल्स, एक्टिविस्ट्स, गवर्नमेंट्स, बिजनेस हाउसेज, कॉरपोरेट
टू वर्क हैंड इन हैंड टू फाइट दिस आउट। और ये जो है आल्सो इंस्पायर करेगी किनको, यानी इंडिविजुअल्स है, व्यक्तिगत व्यक्तियों को, सक्रिय कार्यकर्ताओं को, सरकार को एंड बिजनेस जो हाउसेस है उनको, सहयोगियों को, ये काफ़ी मदद करेगी इनसे लड़ने में। एंड आई एम क्वाइट होपफुल अबाउट इट दैट द रिकॉग्निशन ऑफ दिस इश्यू विल हेल्प इन मोबिलाइजिंग बिगर सपोर्ट फॉर द कॉज। और वो आगे होप करते हैं, आशा करते हैं कि ये इस चीज़ को संचालन करने में मानव जाति के लिए जो बच्चे हैं, जो पिछड़े हुए हैं, जो डिप्राइव्ड है, जो वंचित है, उन सारे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, मोबिलाइज करने के लिए, आगे चलाने के लिए ये काफ़ी मदद करेगी। एडम स्मिथ कहते हैं मार्वलस, अद्भुत, दिस विल फोकस अ लॉट ऑफ अटेंशन ऑन योर वर्क, हाउ कैन पीपल अराउंड द वर्ल्ड हेल्प यू विथ योर मिशन। और आगे कहते हैं कि ये आल्सो, ये जो नोबेल प्राइज़ है वो आल्सो मदद करेगा किसमें, आपके जो काम है उन पर ध्यान फोकस करने के लिए भी मदद करेगा। हाउ कैन पीपल अराउंड द वर्ल्ड हेल्प यू विद दिस विथ योर मिशन। और कैसे जो लोग हैं संसार के चारों ओर, जो लोग हैं दुनिया में, जितने भी लोग हैं, वो कैसे और किस तरह से आपका और आपके जो मिशन है उसमें मदद करेंगे। सो आगे जो है कैलाश सत्यार्थी कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एवरी वन मस्ट एक्नॉलेज एंड फील दैट चाइल्ड स्लेवरी स्टिल एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड इन इट्स अगलीस्ट फेस एंड फॉर्म। एंड सबसे पहले जो है हर एक व्यक्ति को, एवरी वन को अवश्य जानना और पहचानना चाहिए। एक्नॉलेज मीन्स होता है जानना, समझना, पहचानना। फील मीन्स होता है महसूस करना। चाइल्ड स्लेवरी मीन्स बाल गुलामी। बाल गुलामी मीन्स वह होती है जिसमें बच्चों को खरीदा या बेचा जाता है, और ख़रीदने और बेचने के बाद उनके साथ जो काम हो, जैसा भी चाहे, वो उस तरह का काम करा सकते हैं। यानी बच्चों को जानवरों की भांति खरीदा या बेचा जाता है, उसे ही कहते हैं बाल गुलामी, यानी चाइल्ड स्लेवरी। स्टिल मीन्स अभी भी, एग्जिस्ट मीन्स मौजूद है, अगलेस्ट मीन्स सबसे ख़राब स्थिति में। सो उनका कहना है कैलाश सत्यार्थी का कि हर एक व्यक्ति को अवश्य ही जानना, समझना चाहिए, ये महसूस करना चाहिए कि जो बाल गुलामी है वो अभी भी इस दुनिया में अपनी ख़राब स्थिति में अभी भी मौजूद है। एंड दिस इज़ एन एवल विच इज़ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, विच इज़ एन इनटॉलरेबल, विच इज़ unacceptable and which must go। और ये जो है मानवता के विरुद्ध, humanity means मानवता, मानवता के विरुद्ध क्या है, अपराध है, एक बुराई है और ये एक अपराध है। which is intolerable, और जो कि असहनीय है और unacceptable है, जिसे अवश्य यहाँ से चले जाना चाहिए, यानी बाल गुलामी का अंत हो जाना चाहिए। that sense of recognition must be developed first of all, and secondly there is a need of higher amounts of political will, or that sense of recognition must be developed first of all। और ये जो बात है वो अवश्य ही डेवलप होना चाहिए, इस ये जो बात है उसका विकास होना चाहिए। and secondly there is a need of higher amount of political will, और यहाँ पे हायर सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत है, पॉलिटिकल विल की, राजनीतिक इच्छा की ज़रूरत है, राजनीतिक इच्छा शक्ति की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा अमाउंट में। देर इज़ अ नीड ऑफ हायर अमाउंट ऑफ कॉरपोरेट एंगेजमेंट एंड दी एंगेजमेंट ऑफ द पब्लिक टूवर्ड्स इट। और यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में जो कॉरपोरेट है, सहयोगी है, उनकी ज़रूरत है, सहयोग करने की ज़रूरत है एंड पब्लिक सपोर्ट की ज़रूरत है। सो एवरीबडी हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव एंड प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन ऑन दिस प्लानेट। प्लानेट मीन्स ग्रह। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स होता है जिम्मेदारी। सो यहाँ पे इस प्लानेट में, इस ग्रह में हर एक की जिम्मेदारी है कि वो जो बच्चे हैं उनकी रक्षा करे, उनको प्रोटेक्ट करे और उनकी मदद करे। एडम स्मिथ आगे कहते हैं, थैंक यू एंड आई सपोज देयर इज एंड चाइल्ड स्लेवरी वीक कमिंग अप इन नवंबर, सो एवरीबडी कैन गेट। और एडम स्मिथ कहते हैं, धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि सपोज
मीन्स मैं मानता हूँ देयर इज़ एंड चाइल्ड स्लेवरी वीक। और वो कहते हैं कि चाइल्ड स्लेवरी जो वीक है यानी बाल गुलामी सप्ताह, वो नवंबर महीने में आने वाला है। सो एवरीबॉडी कैन गेट, और हर एक प्राप्त कर सकते हैं। फिर आगे कैलाश सत्यार्थी कहते हैं ऑफ कोर्स, निश्चय ही, यस वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज एंड चाइल्ड स्लेवरी वीक फ्रॉम 19th November to 25th November, एंड दैट वुड बी एन एनुअल इवेंट विच वी वुड बी ऑर्गेनाइजिंग एवरी ईयर ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड स्लेवरी। एंड दिस ईयर वी आर डिमांडिंग टू द इंफॉर्मेशन कम्युनिटी दैट द एबोल्यूशन ऑफ चाइल्ड स्लेवरी मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड इन टू द पोस्ट मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सो दैट वुड बी द एम्फेसिस ऑफ दिस ईयर्स एंड चाइल्ड स्लेवरी वीक। और आगे कहते हैं कि हम जो है चाइल्ड स्लेवरी वीक मीन्स एंड चाइल्ड स्लेवरी वीक मनाने वाले हैं, यानी बाल गुलामी अंत सप्ताह हम इस बार 19th नवंबर से 25th नवंबर यानी सात दिन के लिए मनाने वाले हैं। एंड दैट वुड बी एन एनुअल इवेंट, और ये जो इवेंट होगा वो क्या होगा, साप्ताहिक होगा, एनुअल होगा, मीन्स वार्षिक होगा। विच वी वुड बी ऑर्गेनाइजिंग एवरी ईयर, और जिसे हम हर एक वर्ष मनाएंगे ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड स्लेवरी, और इसे हम अलग अलग पहलुओं में मनाएंगे। एस्पेक्ट्स मीन्स पहलू। एंड दिस ईयर वी आर डिमांडिंग टू द इंफॉर्मेशन कम्युनिटी दैट द एबोल्यूशन ऑफ चाइल्ड स्लेवरी मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड इन टू द पोस्ट मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और आगे जो है कैलाश सत्यार्थी कहते हैं कि ये जो बाल गुलामी अंत सप्ताह है उसे हम हर एक वर्ष मनाएंगे, और इस तरह से मनाएंगे कि ये जो है एवोल्यूशन हो, यानी जो चाइल्ड स्लेवरी है यानी बाल गुलामी है उसका अंत हो जाए, पूरी तरह से अंत हो जाए, और इसे हम अलग अलग पहलुओं में डिफरेंट एस्पेक्ट्स के हिसाब से मनाएंगे। एंड आगे कहते हैं सो दैट वुड बी द एम्फेसिस ऑफ दिस ईयर्स एंड चाइल्ड स्लेवरी वीक, और इस वर्ष हम चाहते हैं कि जो बाल गुलामी है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाए। सो इस तरह से कैलाश सत्यार्थी कहते हैं। एडम स्मिथ कहते हैं थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर स्पीकिंग टू अस, एंड अगेन आवर कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन द अवार्ड ऑफ द नोबेल प्राइज। और इस तरह से एडम स्मिथ जो है उनको फिर से धन्यवाद करते हैं, और वे कहते हैं कि निश्चय ही आपसे जो बात हुई है, वास्तव में आपसे जो बात हुई है उनके लिए आपको धन्यवाद, और एक बार वो फिर से नोबेल प्राइज़ प्रदान किए जाने पर उनको फिर से एक बार कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। कैलाश सत्यार्थी कहते हैं थैंक यू वंस अगेन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल माई ऑर्गेनाइजेशंस हुम आई वर्क विथ, ऑल द एक्टिविस्ट्स एंड ऑल माई फेलो इंडियंस, फेलो मीन्स लोग, ऑन बिहाफ ऑफ मीन्स की तरफ से। और इस तरह से कैलाश सत्यार्थी जो है वो फिर से वो भी धन्यवाद करते हैं, किनकी तरफ से, अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, अपने संगठन की ओर से, और उन लोगों की ओर से जो उनके साथ काम करते हैं, एंड जो सक्रिय कार्यकर्ता है उनकी तरफ से, एंड जो लोग हैं इंडियंस हैं उनके तरफ से भी वो उनको धन्यवाद करते हैं। फिर एडम स्मिथ कहते हैं थैंक यू, और कैलाश सत्यार्थी कहते हैं बाय बाय, और इस तरह से दोनों की जो बातचीत होती है वो समाप्त हो जाती है। सो इस तरह से ये जो लेशन है वो बाल गुलामी और बच्चों की जो देखभाल है उनसे रिलेटेड है, जिसमें कैलाश सत्यार्थी और एडम स्मिथ के बीच हुए जो बातचीत होती है उनके विषय में ये लेशन है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो लेक्चर वेरी वेल। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन थैंक यू।